दादाजी प्रधान जी ढोलक बजाए रे देवी आई नगर आवारी पर हमारे पर्चे ना दिए पंड लख्या को सरपंच जी हमारे राजस्थान को सरपंच सरपंच ना आए जित तुम्हारो ही बालक हुए जितिया करो चिकड़ी गा रहे ढोलक बजा रहे वे जाकर ब्राह्मण ही बजा रहे गाय रे पर जित तुम्हारो ही बालक हो जीव सरपंच है और भैया जी जब बात जिकड़ी की चल रही है चाहे तो गाय भी आ जा कह रहे कैसे किटिया की जा सुरती ये चांडाल खोपड़ी है एक प्रश्न छोड़ा था बटावली वाले के लिए कोई जवाब तो नहीं आया परंतु कबीरदास जी लिख रहे वो क्या लिख रहे हैं उतरे एक ही घाट अपने अपने कर्म से सब है गए बारे दादाजी जब ये इंसान माँ के गर्भ में रहता है तो भगवान से एक ही बात को कहता है प्रभु मुझे इस लक्ष्य निकालिए मैं बाहर जाकर के आपका नाम लूंगा जब भक्त और भगवान की बातें हो रही हैं इस कलयुग का भक्त भगवान से एक ही बात को कहता है प्रभु आपने मेरे लिए सब कुछ दिया खूब संतान दई खूब प्रधान बनाए दो पर देख एक चीज ना दे जा समाज हम वो इज्जत यानी बोलवाला चौना दे भगवान ने कहा प्राणी जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा कवि ने कलम को उठाया है आप जैसे बुजुर्गों के लिए शब्दों को लिखा है वो क्या लिखा है साहब कह भाई ब्राह्मण मिट जा तू दान से नेह करे छत्री मिट जा तू कुदान के खाए से आलस के करे से किसान मिट जा तो विधवा मिट जात श्रृंगार के पवन के झकोरन से बादल मिट जात आदर मिट जात तेरो रोज घर जाए से अधर्म के करे से धनऊ घट जाए पर पाप मिट जाए तेरो राम नाम गुण भवानी साखी बिल्कुल कैंसिल कोई टाइम पास नहीं होगी सीधे हम जिसलिए बुलाए हैं मैं कथा पे गौर करो तक्षक नाग ने धनवंत वैद्य के सामने अपना परिचय दे दिया बाबा मैं वही तक्षक नाग हूं जो समीप ऋषि के सपुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे साथ में दिन वो तक्षक नाग खत्म कर देगा धनवंत वैद्य कह रहे चेरो जेरो जलाए दो पल में कही नागत्य बानिया और नाग देर में नप जाएगा कौन में कितना वृक्ष देख के वैद्य राज ने कही तू अपनो हुनर दिखाए दे और बेटा जब पेड़ में आगी लगा दादाजी मैंने प्रश्न को यहीं पर विराम दिया धनवंत वैद्य कह रहे हे लला हे भैया ले माइक बोल लिया माइक बोल बेसना सुनो ए यार कम से कम यूं तो देखे दाई दाई बीत रही है दादाजी धनवंत वैद्य कह रहे तक्षक नाग से अगर तूने पेड़ को जला दिया तो मैं अपने घर के लिए वापस हो जाऊंगा बार ये तक्षक नाग की पिष्ण बन गया है पेड़ और मलखान भैया कथा क्या मोड़ ले रही है साहब सकार दुष्ट नीति जो पेड़ जलाई है
वैद्य राज से बोलो बाबा मैंने इसे जलाया है। अरे धनवंतर से बोलो बाबा मैंने इसे जलाया है। हरि कहे जे हरि कहे अब नंबर देखो धनवंतर का आया है, धनवंतर का आया है। मंडली सो लेके बेत एक चेला ने
कच्छक नाग बैत बन के दादाजी रास्ता में लेट गया। एक शिष्य ने बैत को उठाया, गुरु धनवंत वैद्य के हाथों में दे दिया, लेके बैत एक चेलानी और बैद्य राजा दैया और मेरे बाबा जाने कंधा पे डारी। विद्वान श्रोताओं, आपने देखा होगा महान संतों के पास एक बैत होता है टेढ़ा मेढ़ा, उसमें सांप का समूह होता है। इस तरीके से धनवंत वैद्य ने रख लिया अब नीच अन्यायी कच्छक नाग, अपनो नजारो दिखाए रो और कथा क्या मोड़ ले रही भैया जी। क्या अरे असली रूपा भुजंगी पाद न धार्यो पंचो जाने टांकू पीठ पे धार्यो असली रूपा भुजंगी धार्यो तेरी जान टांको पीठ पे मार्यो भैया। अरे घबराए गयो बैठ बिचारो मोकू डसी गयो बिसियार कारो मोकू डसी गयो बिसियार कारो दादाजी धनवंत वैद्य उस बियावान के बीच में रो रहे और क्या कह रहे बन खेलू मेरो बिगाड़ी गया रे बिगाड़ी गया रे जुड़ा मु भाया रामा गजाबो भाया रे जुड़ा मु भाया रामा गजाबो भाया रे दादाजी। तक्षक नाग खड़ा है
और कबीरा जी लिख रहे वो क्या लिख रहे हैं, अगर तेरी जलवा जलवा नुमाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न हो। जीऊंगी
तक दुनिया में तब तक पाप कमाऊंगी। राजा भट्टरी बड़े है दयालु, सरोती बाय तो यूं कह रहे के या सुरती अगर ये सरोती बाय मेवर पर पसीना आयो हो प्रधान समय तो मुझे बताए थे दादाजी। अरे बोले राजा सच बतला दे, फल को कहां से लाईया, फल का जोड़ा जल्द मिला नहीं तेरी आफत आईया, फल का जोड़ा जल्द मिला नहीं तेरी आफत आईया। मलखान बेटा महाराज भट्टी कह रहे ए बच्चा इस फल का दूसरा जोड़ा लेकर क्या वैश्या कह रही मैं तो भलो कर भी आई मुए का पतो या फल को दूसरो जोड़ा हाथ काठिया। अरे झगड़ा करके वैश्या बोली, अरे झगड़ा करके वैश्या बोली राजन तेरी दुहाई है कोतवाल ने फल को दीना सारी बात बताई है कोतवाल ने फल को ऊपर कर दिया। महाराजा अब मुझे मारो या छोड़ो, हकीकत यह है कि मेरे लिए ये फल जो तुम्हारा कोतवाल ना है बहाने दियो। महाराज भट्टी ने कोतवाल को बुला लिया, कोतवाल से कहा बता कोतवाल ये फल तेरे पास कहां से आया। कोतवाल ने नीचे गर्दन डाली, महाराज भट्टी करे कोतवाल ये बता ये फल तेरे पास कहां से आया। कोतवाल कह रहा महाराज सही सही बताऊं, हां बता फल कहां से आया। के मे का तो जी फल जो तुम्हारी रानी पिंगला ना है पाने दो। महाराज वट्टी करे कोतवाल तू जानता है तू किसका नाम ले रहा है, अपनी जबान पर तू लगाम रख, ये जानता है झूठ बोलने वाले के लिए क्या दंड दिया जाता है। के महाराज जानता हूं मौत तो बताए जल्दी एक आज फल कौन दो। के महाराज मैं सही कह रहा हूँ एक आज फल दे रानी पे मुला दो। महाराज भट्टी के पैरों से जमीन निकल गई आसमान नीचे आ गया, मैलन में जाए के कह रहे रानी पिंगला ए रानी तू ये बता मुझसे कितना प्रेम करती है। यूं बताओ बात तो चल रही है फल की, ऊंट को नोट करें बात चल रही है फल की ये प्रेम कहां से आ गया। महाराज भट्टी का पूछने का मकसद था ये बता तू मुझसे कितना प्रेम करती है। रानी पिंगला कह रही है महाराज आज आपको हो क्या गया है, वो कछु ना भयो तू तो न्यू बताए मोते कितने प्रेम करती है। रानी पिंगला कह रही है महाराज आप प्रेम की बात कर रहे हैं, ये जीवन भी आपका है ये शरीर भी आपका है, अग्नि को साक्षी मान के मैंने साथ फेरे लिए थे, जीने का मरने का वचन दिया था, तुम मेरे विश्वास ना कर रहे। महाराज यहाँ तुम्हारो पसीना नहीं गिरेगा, मैं मां खून बहाय दूंगी वो रानी पे मुला के। महाराज भट्टी कह रहे खून खूने छोड़ दे मेरी जान खतरे में भाई, मैंने तुझे कुछ समय पहले एक अमर फल दिया था वह फल में तो तुम वो छोड़ो सो टुकड़ा खिला दे। धन्य है महाराज भट्टी। दादाजी अपनी घरवाली के सामने रो रहे और क्या कह रहे बेटा मलखा। नहीं तू ये बता वो फल कहां है कि महाराज मैं आपके
सिर पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मैंने वो फल खा लो। महाराज वटरी कह रहे भाई घर की बात घर में ही अभी मां समाज तक ना पहुंची के नहीं महाराज मेरा विश्वास कीजिए मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। मैं आपके सिर पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मैंने वो फल खा लो। महाराज वटरी कह रहे खा लो तो अपने हाथ को झोला में डाला अमर फल निकाल लो। मैं बताए तेने अमर फल खा लो तो ये फल कहां से आ गया। पर महाराज वटरी कह रहे अपनी रानी पिंगुला से आप जैसे बुजुर्गों ने लिख दिया नार नहीं नौरंगी है नौरंगी नहीं वो रंगी है डके तो फुलगी लाल नके ने खुद नंगी की। महाराज वटरी ने अपनी घरवाली के हाथ को पकड़ लिया और भाई सभा में ले गए। दादाजी एक कोठे पर बैठने वाली वैश्या खड़ी थी जो सारे दिन भगवान का भजन करती थी। कोई आएगा पेट का पालन होगा। दूसरी तरफ महलों की रानी पिंगुला खड़ी है। महाराज भट्टी दोनों में तुलना कर रहे जैसे गायकों में आप तुलना कर रहे। क्या कर रहे मां साहब क्या लिख दिया पर